अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। आज हम इस तरह की बूटीज बनाएंगे जो साइज नंबर 7 to 8 वालों के लिए है। इसको मैंने 10 नंबर नीडल पर 64 लूप्स डालकर बुना है और ये बुनने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिगनर्स भी इसको बड़े आराम से बना लेंगे अगर आप वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेंगे तो। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आइए हम इसको बुनते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप और आपको बड़े आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने 2 कलर की वूलन ली है और 10 नंबर का नीडल लिया है। चलिए अब हम इसमें लूप्स डाल लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से एक लूप बना लेना है और यूं इसको नीडल में उतार कर ये वाली जो साइड है इसको हम टाइट किसी चीज़ में लपेट लेते हैं। ये देखें ऐसे, और वुलन को यूं मोड़ेंगे, इस तरह लूप्स को नीडल में उतार देंगे। ऐसे ही हमें 64 लूप्स डालने हैं। ये देखें ये 64 हैं। अगर लूप्स डालते हुए फ्रेंड्स आपके पास ये धागा बच जाए तो इसको काटना नहीं है, इसको यूं आप इकट्ठा करके रख लें ताकि ये जब हम बना लें तो ये स्टिचिंग के काम आ जाए। इस तरह से इसको लपेट करना, यूं इसके ऊपर ऐसे एक नॉट लगा लें, एक और लगा लें इस तरह से, ठीक है। इसको हम स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वुलन हमारी वेस्ट भी नहीं जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। सारी सिलाइयां हम सीधी ही बुनेंगे। ये फर्स्ट रो है, ये देखिए ऐसे हमें इसको बुनना है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं स्लो करके दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स। ये लास्ट के स्टिच हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। लास्ट का जो एक फंदा है उसे हमें सीधी तरफ से बुनना है। ये देखें ये लास्ट के 3 स्टिच हैं, ये हमने बुन लिए और ये एक रह गया है, इसको हमें सीधा करके इस तरह से बुनना है इस साइड से, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। क्या है, अभी हम सेकंड रो बुनेंगे। सेकंड रो में हमें एक फंदा इस तरफ से बढ़ाना है और एक फंदा हमें लास्ट में यहां पर बढ़ाना है। वो देखें किस तरह से फर्स्ट लूप को हमें इस तरह उतार लेना है और यहीं पर हमें ऐसे करके ये देखें इस तरफ को फंदा बढ़ा लेना है, ठीक है। और बाकी सारी सिलाई हमें सीधी ही बुननी है। ऐसे ही सीधे सीधे हम बुनते जाएंगे। ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें ये देखिए ये लास्ट के 2 स्टिच हैं, ये वाले स्टिच को हमें बुन लेना है और ये वाला जो स्टिच है उससे पहले हमें यहाँ पर एक फंदा फिर से बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से, ओके। और बुलन को इस तरफ करेंगे ऐसे और ये वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है, ठीक है। अभी तीसरा रो है। तीसरा रो में हमें फर्स्ट लूप को ऐसे निकाल लेना है और सेकंड से हम बुनाई शुरू करेंगे। पूरी सिलाई को यूं ही सीधा सीधा बुनते जाएंगे। ये देखिए ये फंदा हमने बढ़ाया था, अभी हम इसको बुन रहे हैं। अभी यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ा रहे, ये बुलन को इस तरफ किया और ये वाले स्टिच को हमने उल्टा करके बुन लिया। अभी ये चौथा रो है, फोर्थ रो, और फोर्थ रो में हमें फिर से वही प्रोसेस दोहराना है जो हमने सेकंड में किया था। फर्स्ट लूप को यूँ निकालेंगे और यहीं पर हमें एक फंदा जो है
इस तरह से बढ़ा लेना है, ठीक है। बाकी के सारे रो को हमें यूं सीधा सीधा बुन लेना है। अभी ये लास्ट के स्टिच हैं, ये देखिए ये फंदा हम बुन लेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी हमें फिर से एक फंदा बढ़ा लेना है इस तरह से, ठीक है। और वुलन को इस तरफ करेंगे, ये वाला स्टिच जो है वो उल्टा करके बुन लेंगे, ठीक है। और ये फोर रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये पांचवा रो है, पांचवें रो को हमें इसमें कोई फंदा हमें बढ़ाना नहीं है और यहीं से हम इस फंदे को निकालेंगे और यहाँ से बुनाई शुरू कर देंगे। एक जो रो है उसमें हम फंदे बढ़ा रहे हैं और एक को हम बिना फंदे बढ़ाए बुन रहे हैं। इस तरह से सीधा सीधा हम इसको बुनते चले जाएंगे। अभी हम छठा रो बुनेंगे। छठे रो में फिर से हमें यहाँ पर फंदा बढ़ा लेना है। ये फर्स्ट लूप को निकालेंगे, यहाँ इसको टाइट जरूर रखना है, ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो साइड से यहाँ पर हमारे जो स्टिच हैं वो ढीले पड़ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है और सारी सिलाई बाकी को हम जो है सीधा सीधा बुनेंगे। लास्ट का जब स्टिच आ जाएगा वहाँ पर फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट के इसके स्टिच हैं, इसको बुन लेंगे और यहाँ पर हमें फिर से एक फंदा जो है बढ़ा लेना है और बुनन को इस तरफ करके ये वाला फंदा हम उल्टा करके बुन लेंगे। अभी हमारे पास फ्रेंड्स ये छः रो हमने बुने हैं, छः रो कंप्लीट हो गए हैं। अभी सातवां रो जब हम बुनेंगे तो हम कलर चेंज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फंदे हैं अभी हमारे पास 70 हो गए हैं। 64 से हमने शुरू किया था, दोनों तरफ से हम एक एक फंदे को बढ़ाते गए हैं और छः फंदे हमारे बड़े हैं, तीन इस तरफ और तीन इस तरफ, ये हमारे पास 70 हो गए हैं। अभी यहाँ पर हम वुलन को चेंज करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट लूप को हमें निकाल लेना है। फर्स्ट लूप से हम शुरू नहीं करेंगे, सेकंड लूप से हमें शुरू करना है, कलर को चेंज करना। ये यहाँ पर हम इस तरह से कलर को चेंज करेंगे और ये जो इसका ये वाली साइड है इसको यूं पीछे की तरफ से इस तरह से मोड़ देना है ताकि ये साइड से जो है ढीला ना रहे। ये देखें इसके ऊपर से मैं इस तरह से कर रही हूं, ठीक है। बस बाकी का जो है हम इसको यूं सीधा सीधा बुनते हुए पूरी सिलाई को सातवीं रो को कंप्लीट कर लेंगे। सातवीं रो पे बस हमें कलर चेंज करना है, बाकी सेम हमें वैसे ही सिलाइयाँ दोहरानी है जैसे हमने पीछे दोहराई हैं, ठीक है। अभी फिर से हमें आठवीं रो पे यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। देखें ये स्टिच को निकाल लिया और यहाँ पर फिर से हमने एक फंदा बढ़ा लिया, ठीक है। और बाकी का सारा रो हमने सीधा सीधा बुन लिया। लास्ट के स्टिच पे जाके फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है और लास्ट में यहाँ पर हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये वाले स्टिच को इस तरह से टाइट कर देना है और इसी तरह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 6 रो में फंदों को बढ़ाया है और 7वें रो पे हमने कलर को चेंज किया है, ऐसे ही हमें बुनना कंटिन्यू रखना है, ठीक है। एक सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे और एक सिलाई में फंदे नहीं बढ़ाने हैं, इसी तरह हम इसको आगे बुनते जाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 24 रो कंप्लीट किए हैं और ये पट्टियाँ चार बन गई हैं, एक दो तीन
चार, ठीक है, और यहाँ पर फंदे जो हैं वो 88 हो गए हैं। अभी हमें इस कलर के आगे एक पट्टी बनानी है पांचवी, उसमें हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। वो देखें हमें किस तरह से करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये फंदा हम निकाल लेंगे और जैसा हम पीछे कलर को चेंज करते थे ना, वैसे ही हमें करना है। और ये कलर मैंने इस तरह दूसरी साइड पे ही रखा है और इसके ऊपर से मैंने ऐसे कलर को चेंज किया था, ठीक है, ताकि ये उल्टी साइड्स की तरफ ही नजर आए। ये 25वां रो है और इसके लास्ट के ये स्टिच हैं। ये 26वां रो है, इसमें हमें कोई फंदा जो है बढ़ाना नहीं है। अभी ये 27वां रो है फ्रेंड्स, इसमें भी हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। ऐसे ही हमें 30 रो बुन लेने हैं और जब 31वां रो भी हम बुनेंगे धागा चेंज करके, उसमें भी हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। यानी कि सात जो रो हम बुनेंगे उसमें कोई फंदा हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे ही हमें जितने 1 2 3 3 लाइनें इसकी बना लेनी है, ठीक है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। ये देखिए मैंने 7 रो बुन लिए हैं। अभी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 रो हो गए हैं। 24 रो तक हमने फंदों को बढ़ाया था और उसके बाद हमने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। अभी हमने जैसे फंदों को बढ़ाया था वैसे ही कम करेंगे, ठीक है। इसकी शेप अभी इस तरह से है और आगे ये इस तरह से हो जाएगी। अभी हमारे पास ये जो फंदे हैं 88 है, 64 से शुरू किया था, 88 फंदे हो गए हैं। और जब तक हमारे पास 64 फंदे हो जाएंगे तब तक हम फंदों को घटाते रहेंगे हर दूसरी सिलाई में, सेम वैसे ही जैसे बढ़ाए थे। वो देखें किस तरह से यहाँ पर हमने कलर चेंज कर लिया है। और एक बात का और, आप इस तरह से हिसाब लगा सकते हैं, फंदों को बढ़ाना और घटाना हम उल्टी साइड से कर रहे हैं। ये उल्टी साइड है और यहीं पर हम फंदों को घटाएंगे। पहले हम बढ़ा रहे थे, अब हम घटाएंगे। वो देखें किस तरह से हमें करना है, को बाहर निकाल लेना है और यहाँ से हमें 2 का 1 करना है। सिंपल से तरीके से हमें करना है, ये देखिए ऐसे। ये 2 का 1 कर दिया। अभी हमें सारी सिलाई सीधी बुन लेनी है। 31 हम पहले बुन चुके हैं। 32वीं रो से हमने फंदों को कम करना शुरू किया है। ये देखें जब लास्ट में 3 फंदे बच जाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 का 1 कर देना है और धागे को इस तरफ लाएंगे और ये वाला फंदा हम इस तरह से जैसे पीछे बुन रहे थे उल्टा बुन लेंगे। अभी ये 33वां रो है, इसमें हमें क्या करना है, ये सारी सिलाई को हमें सीधा सीधा बुन लेना है। इसमें कोई फंदा हमें घटाना नहीं है। इसमें एक बात याद रहे फ्रेंड्स, हम एक कलर के 6 रो बुनते हैं, ठीक है। ये देखें इसमें हमने कोई भी फंदा कम नहीं किया है। अभी इस रो में, ये 34वां रो है और इसमें हमें फंदा फिर से कम करना है। ये 2 का 1 यहाँ पर हम कर देंगे, ऐसे 2 फंदों को हमें एक साथ इस तरह से उठा लेना है, ठीक है, और 1 कर देना है।
लास्ट में जब तीन फंदे हमारे बच जाएंगे तो दो का एक कर देंगे, एक फंदे को हम उल्टा करके बुन लेंगे। अभी ये देखें, लास्ट में जब तीन फंदे रह गए हैं तो यहाँ पर हमें दो का एक कर देना है और ये वाले फंदे को उल्टा बुन लेना है। ठीक है, अभी 35वां रो है और ये सीधा सीधा बुनेंगे, इसमें कोई फंदा कम नहीं करना। ये रो कंप्लीट हो गया है। कलर वाइज अगर हम काउंटिंग करें तो ये 5वां रो था और अगर सीरीज वाइज हम काउंटिंग करें तो ये 35वां रो था। अभी हमें 36वां रो जो है वो बुनना है, इसमें हमें फिर से दो फंदों को कम कर देना है। याद रखने के लिए फ्रेंड्स, आप ये ध्यान में रखें कि हम उल्टी साइड से फंदों को कम भी किया है और बढ़ाया भी है। ठीक है, इसी तरह लास्ट में हम दो को कम कर देंगे इस रो के, बाकी सारे फंदे बस सीधे सीधे ही बुनने हैं। ये तीन फंदे रह गए हैं, दो का एक कर देते हैं। और एक फंदे को हम यूं उल्टा करके बुन लेंगे। ये एक पट्टी मैंने आपको बनाकर दिखा दी है, ये देखिए यहाँ से ये इस तरफ को मुड़ना शुरू हो गया है, इस तरफ को। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इस तरफ है और यहाँ से ऐसे हो गया है। अभी हमें यहाँ पर ये देखें, ये 6 रो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। हर दूसरी सिलाई में हमने फंदों को कम किया है। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे और इसके बाद फिर सारी जो पट्टियाँ हैं वो ऐसे ही बनेंगी। ये देखें कलर हमें किस तरह से चेंज करना है, ये इसके ऊपर से इस तरह से इसको लाएंगे। ठीक है, यहाँ हम इसको निकाल लेते हैं और यहाँ से जो है हम ऐसे कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये सीधी तरफ है और यहाँ पर हमें कोई फंदा कम नहीं करना, इसीलिए ये पूरी सिलाई को हमें सीधा सीधा बुन लेना है। ये देख फ्रेंड्स, ये ऐसे बनता चला जाएगा। अभी एक पट्टी में मैंने फंदों को कम करके आपको दिखा दिया है, बाकी सारी भी इसी तरह हमें हर दूसरी सिलाई में फंदों को कम करते जाना है। एक इस तरफ से फंदा कम करना है और एक इस तरफ से कम करना है। जब हमारे पास 64 लूप्स रह जाएंगे जितने यहाँ पर थे, तो फंदों को कम करना बंद कर देना है। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देता है। ये देखें मेरे पास अभी 64 लूप्स बचे हैं, इतने ही हमारे यहाँ पर भी थे। ये देखें ये शेप जो है इसकी वो इस तरह से बन गई है दोनों साइड से। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 54 रो हैं और पट्टियाँ जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन गई हैं। अभी हमें इसको यहाँ से बंद कर देना है। चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं। अभी हम दो का एक करेंगे, वो देखें किस तरह से ऐसे हमें पीछे की तरफ से दो फंदों का एक बनाएंगे और फिर से फंदे को नीडल में उतार देंगे और फिर से पीछे की तरफ से इस तरह से दो का एक करेंगे, नीडल में उतार देंगे, दो का एक करेंगे, फंदे को नीडल में उतार देंगे, दो का एक करेंगे। इसी तरह से हमें पूरी जो फंदे हैं सारे को इसी तरह बंद कर देना है। ये देखें ये इस तरह से चेन बननी चाहिए। ठीक है, और ये मैं यहाँ तक बंद कर देती हूँ।
ये लास्ट के दो स्टिच हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें धागे को किस तरह से काटना है। अभी इसी धागे को हमें लंबा खींच लेना है ताकि इसके साथ हम स्टिच भी कर सकें। देखिए यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ लंबा करके, और इसी के साथ हमें स्टिचिंग भी कर लेनी है। अभी देखिए इस तरह से चेन बन गई है। अब देखिए हमें स्टिचिंग किस तरह से करनी है। ये जो धागा हमारे पास बचा है उसके साथ हमें इस एरिया की स्टिचिंग करनी है, और ये वाले धागे के साथ हम यहाँ की स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है, और ये जो धागा है इसको नीडल में उतार कर यहाँ पर हमें स्टिचिंग कर लेनी है, और फिर हमें इस एरिया की करनी है, और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये वाले जो स्टिच हैं इनमें से हमें यूं नीडल को निकालना है और बस सिलते जाना है। ये स्टिचिंग हो गई है। अभी मैंने इसको नीडल में डाल लिया है जो धागा यहाँ पर बचा था। अभी हमें इस साइड की स्टिचिंग करनी है, वो देखिए हमें किस तरह से करनी है। ये देखें ये जो स्टिच हैं इनको हमें एक दूसरे के साथ मिलाते जाना है और स्टिच करते जाना है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।